हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स, अनवर टेक चैनल पर। आज हम बात करेंगे लाइव स्टैंड एग्जाम डेट के बारे में और उसके और संबंधित राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे आज। तो बने रहिए हमारे लाइव क्लास के अंदर और वीडियो को लाइव क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे फ्रेंड्स, तो हमारी वीडियो को प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और वहाँ से वीडियोज़ को देख लीजिए पहले, ताकि आपको पता चले कि पीछे क्या हो चुका है फ्रेंड्स, कितनी क्लास हो चुकी है। तो आप पहले वहाँ पर जाइए और वहाँ से देख लीजिए। और पहले तो फ्रेंड्स इसको देख लीजिए, फिर उसको देख लेना, क्वेश्चंस क्लास है वैसे, जो क्वेश्चन को रिवाइज करना है फ्रेंड्स। और अगर आप हमारे चैनल पर अनवर टेक चैनल पर नए हैं तो हमारे इस अनवर टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फ्रेंड्स क्या होता है कि लाइव क्लास को आपको शेयर कैसे किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, के नीचे आप जैसे ही यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे तो उसके नीचे एक शेयर का ऑप्शन लिया जाएगा, वहाँ से आप इसका लिंक कॉपी करके आप किसी भी ग्रुप पर डाल दो फ्रेंड्स, तो आपके फ्रेंड्स को भी इसकी सूचना मिल जाएगी कि लाइव क्लास चलिए क्वेश्चन क्लास, तो और को भी फायदा मिल पाएगा उसका। और आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज डेट क्या हो गई है, 26/12/2018। तो लाइव स्टैंड एग्जाम की सूचना आपको जल्द ही मिलने वाली है, सिर्फ बहुत कम ही वेट करना पड़ेगा अभी आपको। मैं बता दूं फ्रेंड्स कि भी आपको लाइव स्टैंड एग्जाम 3 फरवरी को होगा, लाइव स्टैंड एग्जाम पर फ्रेंड्स, और उसका नोटिफिकेशन लगभग आज 26 होगी फ्रेंड्स, तो देख लीजिए 1-2 तारीख को इसका नोटिफिकेशन लगभग आ जाएगा फ्रेंड्स। और नोटिफिकेशन आते ही मैं आपके सामने जरूर लाइव आऊँगा फ्रेंड्स, तो और आपको सूचना भी दे दूँगा। और जो भी तैयारी करिए फ्रेंड्स, मन लगा करें फ्रेंड्स, और आपको कमेंट करना फ्रेंड्स कि कितने फ्रेंड्स है जो जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, कमेंट करना। इसको लगता है फ्रेंड्स कि एक तो हमारी है, तो कमेंट फ्रेंड्स जरूर करें। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि लगभग मेरे हिसाब से फ्रेंड्स राजस्थान जीके केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, इन सभी में से क्वेश्चंस आप उसके अंदर जितना डीपली ना जाए फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम टाइम होता है फ्रेंड्स, तो उसमें जितना डीपली जाएंगे उतना डीप ना डीपली जाना था तो फ्रेंड्स पहले जाना था, अभी डीप जाना के अंदर कोई फ़ायदा नहीं फ्रेंड्स, अभी सिर्फ रिवाइज करें और खुश रहें फ्रेंड्स। और ये बात है कि अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन अपन को डर है फ्रेंड्स कि अधीनस्थ बोर्ड इतने बड़े क्वेश्चन देगी, इतना बड़ा देगी, वैसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन वैसे देती है फ्रेंड्स जो बहुत सिंपल होते हैं, आप मजाक समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, मैं हकीकत के अंदर कह रहा हूँ कि जो अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन पूछती है वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछती है, और अपन को लगता है कि क्वेश्चंस बहुत हार्ड है, क्योंकि अपन पहले क्या होती है बहुत डीप में चले जाते हैं कि अपन को अंदर एक अंदर उसका कहते हैं ना उसको भूत चढ़ा हुआ है इसको, तो कि अधीनस्थ बोर्ड उसका डर लगता है कि अधीनस्थ बोर्ड क्या है इतनी बहुत बड़ी क्वेश्चन डालेगी और अपन को बहुत बड़ी हार्ड से तैयारी करने के जाना पड़ेगा फ्रेंड्स, वैसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी नॉर्मल करके जाए और ज़्यादा सीरियस भी ना हो, बट तैयारी भी होनी चाहिए फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है, बट मेरा कहना ये है, मेरा मतलब ये है कि ऐसी कुछ कोई बात नहीं है फ्रेंड्स जितने क्वेश्चन हार्ड आएंगे, हाँ मेरिट जरूरी लो रहेगी फ्रेंड्स, क्योंकि पेपर भी थोड़ा भी टफ रहता है, ऐसी बात नहीं है, बट जितना आप सोचते हैं उतना नहीं रहता। बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारा तो कोई नंबर ही नहीं आने वाला है, तो ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, नंबर आ सकता है, किसी का भी आ सकता है नंबर, और अपनी तैयारी जारी रखनी है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि लाइव स्ट्रीम एग्जाम है वो 3 फरवरी को ही होगा फ्रेंड्स, 3 फरवरी को होगा, ये मान के चलिए फ्रेंड्स 3 फरवरी को होगा, और मैं आपको 2 या 3 जनवरी को आपके सामने लाइव आऊँगा फ्रेंड्स, उसके अंदर मैं बता दूंगा फ्रेंड्स कि एग्जाम डेट आई या नहीं आई। मैं आपको एक्चुअली बता रहा जाना कि एग्जाम डेट 3 फरवरी को ही एग्जाम होना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं कि लगभग 15 फरवरी के आसपास कॉलेजों के एग्जाम है फ्रेंड्स, तो अगर 3 फरवरी से एग्जाम हो गया तो आप मान के चलिए अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर जो कॉलेज स्टूडेंट हैं फ्रेंड्स उनके प्रैक्टिकल भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनके लिए थोड़ी परेशानी की बात रहेगी। 3 फरवरी को एग्जाम हो जाएगा और 2 या 3 जनवरी को मैं आपके सामने लाइव आऊँगा फ्रेंड्स, उसके सामने आपको बताऊँगा कि एग्जाम डेट आ गया और उसको कैसे चेक करना है और क्या करना है आगे प्रोसेस, वो मैं आपको आगे बताऊँगा फ्रेंड्स। और
आज की शुरू करते हैं लाइव क्लास क्वेश्चन क्लास, जिसमें हम टॉप क्वेश्चंस करेंगे, जो अधीनस्थ बोर्ड जैसे पूछती है उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। और आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है फ्रेंड्स, ये नहीं कि फ्रेंड्स कि एक दिन के अंदर 10 चैप्टर करना है मेरे को, ये जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। बस जरूरी ये है फ्रेंड्स कि आपको एक चैप्टर पढ़ा है वो आपको याद करना है फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो आपको सबसे पहले जितना भी पढ़ो फ्रेंड्स बेस्ट करो, बेस्ट करके दिखाओ कि आज ये पढ़ा चैप्टर हमें, तो उसको बेस्ट करके दिखाना है फ्रेंड्स आपको। और शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास क्वेश्चन क्लास, तो देखते रहिए। फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके का पार्ट 4 पढ़ेंगे, उसके अंदर 4 और 5 पढ़ेंगे फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते फ्रेंड्स उस क्वेश्चन को आप नोट कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान राज्य के किस जिले को अनका कटोरा कहते हैं, अनका कटोरा कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा श्रीगंगानगर को अनका कटोरा कहते हैं फ्रेंड्स, और अगर आपको आता है तो क्वेश्चन स्किप करें, और नहीं आता तो फ्रेंड्स नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा फ्रेंड्स कि निम्न में से राजस्थान राज्य का सबसे गर्म जिला कौन सा है। तो फ्रेंड्स राजस्थान राज्य का सबसे गर्म जिला आप सभी को पता है चूरू है, और आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि राजस्थान राज्य का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आंसर कमेंट करना फ्रेंड्स, जो भी वीडियो देख रहे हैं अभी लाइव देख रहे हैं उनको आंसर कमेंट करना फ्रेंड्स, एक बार जरूर कमेंट करें। रिक्वेस्ट है आपके आपसे कि क्वेश्चन को एक बार कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स, कमेंट नहीं करते हो फ्रेंड्स, देखते जाते हो, कमेंट करना ना भूले। आपके सामने सिर्फ लाइव चैट है, उसके अंदर आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर लिख लीजिए, इसका राइट आंसर फ्रेंड चूरू। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न से राजस्थान राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। तो अगर आपको राजस्थान का मैप अच्छी तरह याद है फ्रेंड्स, तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे पाओगे। तो इसका धौलपुर होगा फ्रेंड्स, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, निम्न में से राजस्थान राज्य की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अजमेर जिले के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, निम्न में से कचरे से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना राजस्थान में कहां लगाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कचरे से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना राजस्थान में कहां लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स पदमपुर गंगानगर के अंदर लगाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए अगर आपको नहीं आता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, निम्न में से राजस्थान राज्य में कहां पर दूरदर्शन प्रसारण के अंदर सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है। तो आप सभी को पता है रावतबाटा के अंदर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, निम्न में से दीन बंधु मॉडल का संबंध है किससे है। दीन बंधु मॉडल का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बायोगैस से। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, राजस्थान राज्य में ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जिला कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, निम्न में से राजस्थान राज्य की इकाई ऑयल इंडिया का कार्यालय स्थित है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बीकानेर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, निम्न में से नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन द्वारा राजस्थान में स्थापित परियोजना कौन सी है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है बरसिंहसर ताप परियोजना, आपको कमेंट करना है बरसिंहसर कहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, निम्न में से भराव क्षमता का आधार राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा बांध है। तो उसका राइट आंसर है राणा प्रताप सागर बांध, और आपको कमेंट किया करना फ्रेंड्स कि राणा प्रताप सागर बांध है वो कहां पर स्थित है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, गोपाल योजना में सामुदायिक सम्मेलन की भावना इसका मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स। इसका उद्देश्य कृत्रिम गर्भधारण द्वारा पशु नस्ल संवर्धन भी राइट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, वरा मीर के अनुसार जब राजस्थान में खैर एवं समी के वृक्षों पर फूलों में असामान्य वृद्धि होती है तो उस वृक्ष क्या होता है। तो इसका राइट आंसर वृक्षों की वृद्धि होती है। क्वेश्चन 14 फ्रेंड, निम्न में से सरिस्का भूमि को राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब प्रदान किया। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 1990 के अंदर प्राप्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया फ्रेंड, निम्न में से मां से साइप्रस नामक मुलायम घास राजस्थान में कहां पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स तालछापर, और आपको कमेंट करना है तालछापर कहां पर स्थित है, और एक कमेंट करना है कि राजस्थान के अंदर काले हिरण कहां पाए जाते हैं, वो भी तालछापर के अंदर ही फ्रेंड्स।
आंसर कमेंट करना कि ताल छापर कहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 फ्रेंड्स, राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गोडावण। सॉरी मिस प्रिंट है फ्रेंड्स, राइट आंसर गोडावण है। क्वेश्चन नंबर 17 फ्रेंड्स, 17 महारानी कॉलेज कहां पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जयपुर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 फ्रेंड्स, राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है किशनगढ़। क्वेश्चन नंबर 19 फ्रेंड्स, श्री तेजाजी धाम चूरसुरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अजमेर जिले के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, टाई ट्यूब का कारखाना राजस्थान में कहां पर स्थित है? टाई ट्यूब उद्योग का कारखाना राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कांकरोली राजसमंद के भी राइट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21, उदयपुर शहर में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मेवाड़ी है फ्रेंड्स, सभी को पता ही। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान सरकार की अपना खाता सुविधा का संबंध किससे है? तो जमीन की ऑनलाइन नकल निकालने होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स, राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 6.86 करोड़, देख लीजिए डी राइट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान में जिलोक नगरी किस शहर को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बचपन से पढ़े आ रहे हैं जिलोक नगरी, सूर्य नगरी, तो जिलोक नगरी उदयपुर को कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, पांचना बांध के जिले में स्थित है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स करौली के अंदर स्थित है। क्वेश्चन 26 है, सेवन घास के जिले में मुख्यतः पाई जाती है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गैस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान के किन दो जिलों में होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आपको पता है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के अंदर कर्क रेखा गुजरती है, और आपको आंसर कमेंट किए करना है कि राजस्थान के अंदर जो कर्क रेखा गुजरती है वो कितने किलोमीटर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो सभी को बताएं मध्य प्रदेश से लगती है, कितने लगते हैं कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान राज्य की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 5920 किलोमीटर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 31, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट रेड क्लिप रेखा है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रेंड्स, राजस्थान की पाकिस्तान से साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? तो 1076 किलोमीटर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 33 फ्रेंड्स, राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती? राजस्थान के किस जिले की सीमा है जो मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि सिरोही जिला कहां पड़ता है? गुजरात साइड, इस साइड पर जाता है फ्रेंड्स, तो सिरोही की नहीं करती। और कोटा, झालावाड़, बारा, ये तो फ्रेंड्स क्या है मध्य प्रदेश से लगते हैं, झाड़ोती क्षेत्र आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 और 4 है फ्रेंड्स, राजस्थान के किस जिले का मुख्यालय सर्वाधिक पाकिस्तान सीमा के नजदीक है? जिले का मुख्यालय, तो जैसे गंगानगर है फ्रेंड्स, उसका जिला मुख्यालय सबसे नजदीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रेंड्स, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा किसी देश तथा राज्य की सीमा से नहीं लगती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 जिलों से नहीं लगती, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक 8 जिलों से लगती है? पाली से लगती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 37 है फ्रेंड्स, राजस्थान राज्य का एकमात्र ऐसा जिला जिसमें एक भी उप तहसील नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए पाली। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान राज्य में कितने जिले थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 25 जिले थे, और कहीं पर आपको 26 जिले भी मिलेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 39 है, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1981 के अंदर फ्रेंड्स, डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजस्थान के राज्य पशु चिंकार को राज्य पशु घोषित कब किया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1981, और मेरा आंसर ये है कि राजस्थान का राज्य पशु, ये तो वन्य राज्य पशु की जिसको दिया गया है फ्रेंड्स चिंकारा, और अभी एक नया भी बना है फ्रेंड्स, पहले बना लगभग बना था जो राजस्थान का राज्य पशु ऊँट को बनाया गया फ्रेंड्स, राजस्थान का राज्य पक्षी ऊँट को कब बनाया गया वो आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 41 है फ्रेंड्स, अरावली पर्थ में टेडी मेडी कटक पहाड़ क्या कहा जाता है? तो उसको भाकर कहा जाता है, टेडी मेडी भाकर। क्वेश्चन नंबर 42 है, उदयपुर के उत्तर पश्चिम स्थित पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है मगरा, उत्तरी और पश्चिमी स्थित पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 43 उदयपुर में स्थित अरावली पर्वत में तस्थिर में पहाड़ियों की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गिरवा, आप देख लीजिए आप गिरवाइए बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 44 है कुंभलगढ़ राजस्थान से गोकुल उदयपुर मध्य स्थित पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको इसका आंसर देखना है कि बोराट का पठार है फ्रेंड्स, राजस्थान और गोकुल मध्य स्थित पठार को बोराट का पठार नाम से जाना जाता है। और बोराट का पठार फ्रेंड्स, बोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है उसको आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन 45 है फ्रेंड्स राजस्थान के किस जिले बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य भूभाग को क्या कहा जाता है? राजस्थान के जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मेवल कहा जाता है। क्वेश्चन 46 है फ्रेंड्स कांटल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स माई नदी के। क्वेश्चन नंबर 47 है फ्रेंड्स हकरा राजस्थान की किस नदी के मैदानी क्षेत्र का नाम है? नाम से जाता है तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 48 है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सभी को पता ही होगा माउंट आबू है, नो डाउट। 49 है फ्रेंड्स राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है झालावाड़ है, चौड़ौती के अंदर पड़ता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 50 है राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सबसे कम वर्षा जैसलमेर के अंदर होती है, जैसलमेर। और अगला देखेंगे पार्ट नंबर राजस्थान जीके का पार्ट 5 देखेंगे फ्रेंड्स, राजस्थान जीके का पार्ट 5। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो सभ्यताओं से क्वेश्चन आ गए 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है 9 सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से 8 सभ्यता में मिले बर्तनों का रंग कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है भूरा व लाल। क्वेश्चन नंबर 3 है इनमें से प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रेड टोंग को कहा जाता है, सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है चुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष कहां से मिले? चुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष कहां से मिले? तो नोट कीजिए फ्रेंड्स जोधपुर से मिले। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे फ्रेंड्स? तो सभी को पता है सैंधव लिपि से का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा किस विवादान से आर सभ्यता का समृद्धि का 1900 ईसा पूर्व से वारिस्तुभ माना है? तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार विद्वान के अनुसार किस विद्वान ने आर सभ्यता का समृद्धि काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना है? तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा थे, उसने उनके अनुसार आर सभ्यता का समृद्धि काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक है। किस ने किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था? किस पुरातात्विक स्थल का नाम प्राचीन नाम था वो मालव नगर था। तो आपको आंसर कमेंट करना है, इसका राइट आंसर है सी नगर। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स बड़ी मात्रा में मालव सिक्के एवं आहत मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं? तो नगर से प्राप्त हुई हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है सीवी जनपद सिक्के राजस्थान के किस शहर से प्राप्त हुए हैं? तो नगरी। क्वेश्चन नंबर 10 है इनमें से गणेश सभ्यता कौन सी? तो ताम्र सभ्यता है। फ्रेंड्स छतर सिंह और पंचम सिंह किस कांड में शहीद हुई? तो इसका राइट आंसर है तसीमो कांड। क्वेश्चन नंबर 12 है कालीबंगा संस्कृति की खोज 1991 में सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो अमलानंद घोष ने की थी। और इसका उत्खनन करता पूछे तो फ्रेंड्स उसका राइट आंसर होगा बी बी लाल और बी के थापर। और क्वेश्चन नंबर 13 रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है गोविंद राज था। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंद राज था और अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक
वासु अजमेर सांबर का वासुदेव था और जालौर का कीर्तिपाल था, नाडोल का लक्ष्मण था, सिरो का लुम्बा था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान का कौन सा ध्रुव कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा ध्रुव कांचनगिरी के नाम से जाना है? अगर आपके सामने क्वेश्चन नया है तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स जालौर ध्रुव। और फ्रेंड्स हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते जाए फ्रेंड्स। अगर वीडियो देख रहे हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी करें फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन क्लास है फ्रेंड्स, एक मोटिवेशन क्लास है, हमें भी मोटिवेशन मिलना चाहिए फ्रेंड्स कि हमारे वीडियो पर इतने लाइक आ रहे हैं तो हम और भी बच्चों के लिए कुछ वीडियोस लेके आएँ और उसके लिए क्लास लाइव क्लास भी चलाएँ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी कहें फ्रेंड्स कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान का कौन सा ध्रुव कांचनगिरी से नाम जानते हैं फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है जालौर ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड, 1519 ईस्वी में गागरौन के युद्ध में मालवा के शासक पर राणा सांगा ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी, तो महमूद खिलजी सेकंड था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, बनी ठंडी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? तो किशनगढ़ शैली से है, पता है आपको सभी को। 17 जीन माता मंदिर कहां पर है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है सीकर। क्वेश्चन 18 है, बीकानेर के राठौड़ और रान की ख्यात के लेखक है दयाल दास। क्वेश्चन 19 है, तारागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स का राइट आंसर है अजमेर के अंदर स्थित है। 20 भरतपुर का संबंध किस राजघराने से है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है जाट। क्वेश्चन 21 है, जैसलमेर का गुंडा राज के लेखक पुस्तक लेखक उसके लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो उसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सागरमल गोपा। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स, मेरा भाई के पति का क्या नाम था? भोजराज। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स, विष्णु समाज के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है जम्बो जी। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स, शेखावटी का प्रमुख नृत्य कौन सा है? गीदड़, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बादशाह का मेला कहाँ लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्यावर के अंदर लगता है। और कभी कभी आपको देख लीजिए फ्रेंड्स एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ब्यावर का मेला कहाँ पर लगता है? अजमेर जिले के अंदर पड़ता है फ्रेंड्स ब्यावर, तो अजमेर ब्यावर कोटा बूंदी, तो आपको प्योर राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 26 अपने 84 कंभों की सत्री वाली सती कहाँ पर स्थित है? तो बूंदी के अंदर स्थित है फ्रेंड्स, जो भगवान शिव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? बाबू जी की जाती है। गोमुंद राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लासोडिया आंदोलन किसने शुरू किया था? सुरमल दास ने किया था, नोट कीजिए। इस भूगोल का मुख्य जिला कौन सा है? राइट आंसर है जालौर। आनासागर कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? राइट आंसर अजमेर। जोधपुर से पहले राठौरों की राजधानी कहाँ पर थी? तो मंडोर थी फ्रेंड्स। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किस मुगल शासक ने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तराखंड की प्रथम युद्ध का वर्णन क्या रहा था? पजरा चौहान की विजय। क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रेंड्स, हल्दी घाटी का राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हल्दी घाटी राजस्थान के राजसमंद के अंदर स्थित है, सभी को पता है। 36, किस खेल को 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा फ्रेंड्स? बास्केटबॉल। कब घोषित किया गया? 1948 के अंदर। देख लीजिए आप, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। और कब घोषित किया गया? 1948 के अंदर। क्वेश्चन 37, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा फ्रेंड्स? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। कब घोषित किया गया फ्रेंड्स? 1983 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38, मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है फ्रेंड्स? का राइट आंसर है मूसी महारानी छतरी अलवर के अंदर स्थित है। 80 खंभों की सदरी राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स 80 खंभों की सदरी राजस्थान के अंदर अलवर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 फ्रेंड, बापा रावल का वास्तविक नाम क्या था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कालबोज। क्वेश्चन नंबर 41 फ्रेंड्स, निम्न में से किसने पिछला जेल का निर्माण कराया था? एक बंजारा था, पिचू नाम का बंजारा था, उसने कराया था फ्रेंड, अपने बैल की स्मृति में कराया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, 1576 में हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा मानसिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 43, 1207 ईस्वी में किसने आमेर की भेड़ों को पराजित करके आमेर को कचाओ की राजधानी बताया? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है कोकिल देव ने। क्वेश्चन 44 है, पहले राजपूत राजा किसने जिसने अकबर की अजमेर यात्रा के द्वारा अधीनता स्वीकार की थी? तो फ्रेंड्स आप सबके बारमली था, डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 45, राजा मानसिंह ने आमेर के महल का निर्माण कब कराया था? क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूँ फ्रेंड्स, राजा मानसिंह ने आमेर के महल का निर्माण कब कराया था? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 1500
92 के अंदर किस ईस्वी में कराया था, और आपको पूछा है कि आमेर के महल का निर्माण किसने कराया था, तो राजा मानसिंह ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 46, 18 जून 1574 को कौन सा युद्ध लड़ा गया था, हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था, जो राजसमंद के अंदर स्थित है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 47 फ्रेंड्स, राजस्थान में बाल आदरू किस जिले के अंदर स्थित है, सभी को बताएं अलवर। क्वेश्चन नंबर 48 फ्रेंड्स, राजस्थान में चांदी के गोले दाग में से हेतु चर्चित ध्रुव कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पर कहते हैं कि उनके गोले बारूद खत्म हो गए थे, तो राजा महाराजा ने चौने चांदी से गोले दागने स्टार्ट कर ली थी, बहुत ही चर्चित ध्रुव रहा फ्रेंड्स, वो कहाँ का ध्रुव था फ्रेंड्स, चूरू का किला रहा था। क्वेश्चन नंबर 49 है, मिर्जा राज जयसिंह का संबंध किस वंश से, तो कच्छा वंश से, सभी को पता है कच्छा वंश से संबंधित है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा किला चिड़िया टू पहाड़ी पर बना था है, नारगढ़, मेहरानगढ़, जैसलमेर, कुंभलगढ़, सभी को पता है इनमें से कौन सा किला चिड़िया टू पहाड़ी पर बना हुआ है, तो सभी को पता है फ्रेंड्स मेहरानगढ़ का किला भी राइट है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स फ्रेंड्स अगर आज की हमारी लाइव क्लास आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो हमारे लाइव क्लास को पसंद करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे फ्रेंड्स, तो हमारी वीडियो पिछले आपकी प्लेलिस्ट के अंदर जाइए फ्रेंड्स, और वहाँ से आप वीडियो को देख लीजिए फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट के अंदर जाकर वहाँ से वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज राजस्थान जी के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त वीडियो को जरूर देखें फ्रेंड्स। और आशा करता हूँ कि आज की मेरी लाइव क्लास आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स, पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि हमारे चैनल को एक बार आप जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे सब्सक्राइब हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स, और हमारे वीडियो को लाइक करते जाए फ्रेंड्स। इस 100 क्वेश्चन में कराए फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर लैब स्टैंड एग्जाम के लिए फ्रेंड्स, और एग्जाम डेट आती है फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लाइव आ जाऊंगा फ्रेंड्स, और आपको उसकी सूचना सबसे पहले दे दी जाएगी फ्रेंड्स। और बेस्ट ऑफ लक, हैव नाइस डे, टेक केयर, बाय।